हेलो डियर फ्रेंड्स, आज के नए टॉपिक में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज का टॉपिक है हाउ टू चेंज मोबाइल नंबर इन कुवैत इम्यून ऐप। जी हाँ, कुवैत के इम्यून ऐप में आप मोबाइल नंबर कैसे चेंज करेंगे। दरअसल दोस्तों, अगर आप कुवैत देश में रह रहे हैं और इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश कहीं भी अपने वतन गए हुए थे और लौटना चाहते हैं, तो इम्यून ऐप को हर जगह पे खोल के दिखाना है, क्योंकि उसमें जो बारकोड होता है वो स्कैन किया जाता है। और इम्यून ऐप अगर आपका खुल रहा है और ग्रीन है, तभी आप कुवैत देश में एंट्री कर सकते हैं। अब दरअसल दोस्तों, इम्यून ऐप में आप रजिस्टर्ड तो हैं, लेकिन इम्यून ऐप में जो आप रजिस्टर्ड किए हैं पुराना नंबर, उस नंबर को चेंज करना चाहते हैं, तो इस वीडियो में आप बाकायदा शुरू से लेकर आखिर तक बने रहिए। दोस्तों, मैं जब कुवैत देश में था और यहाँ से जब मैं इंडिया गया और वहाँ से जब मैं आने लगा, तो मैंने जब अपने इम्यून ऐप को खोला है, तो वहाँ पर हमने देखा है ये है कि वहाँ पर पासवर्ड मांग रहा था और लॉगिन मांग रहा था। मैंने पासवर्ड डाला, लेकिन वो पासवर्ड करेक्ट नहीं था, तो मैंने फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक किया। अब मैंने फॉरगेट पासवर्ड पर जब क्लिक किया, तो उसमें वही प्रोसीजर सिस्टम सही आया कि आप जो हैं फिर से वही नंबर डालिए जो नंबर से आपने रजिस्ट्रेशन किया था। अब हमने वही नंबर को डाला, तो उस पर OTP गई। अब दरअसल बात यह है कि हम उस नंबर को इंडिया लेके चले गए थे, यानी कि वो इंडिया में था। इसी दौरान जब हमारे पास इंडिया में वो सिम है, तो उस पर नेटवर्क और सिम की सिस्टम जो है वो सही से काम नहीं करेगा और OTP आपके मोबाइल में नहीं आ पाएगा और नहीं आप इम्यून को ओपन कर पाएंगे। ऐसी कंडीशन में बहुत से लोगों के साथ ऐसी घटना घटती है, मेरे दोस्तों के साथ भी घटी है, और मैंने उनका इम्यून ऐप का जो मोबाइल नंबर होता है उसका चेंज करके नया नंबर डाल करके न्यू OTP बना करके और न्यू पासवर्ड बना करके ओके किया है और कुवैत देश में उनको बुलवाया भी है। तो ऐसा मेरा फुल एक्सपीरियंस है, और जो मैं सटीक जानकारी आपको इस वीडियो में दूंगा, उससे आप पूरा ही सेटिस्फाई होंगे। बशर्ते बस वीडियो को अगर अभी तक आपने देखा है, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिए। दोस्तों, इम्यून ऐप में जो आप मोबाइल नंबर पहले से रजिस्ट्रेशन करते हैं, उस रजिस्ट्रेशन नंबर को याद रखना ज़रूरी है और उसको कुवैत देश में होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उस पर जो OTP आएगी वो कुवैत कंट्री में ही आएगी। इम्यून ऐप में जब भी आप मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड करें, तो अगर आप पुराने लोग हैं, सिविल ID कुवैत की है, तो कुवैत देश का नंबर आप किसी भी फ्रेंड या कफील किसी का भी डाल सकते हैं, लेकिन अगर पहले से ही आप डाल के रखे हैं, तो उसी नंबर पर OTP आएगी और OTP को दर्ज करना पड़ेगा। तो ऐसे तो सिंपल में आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों, अगर आपका मोबाइल नंबर बंद हो चुका है या नेटवर्क क्षेत्र में नहीं है, या आपका सिम खो गया है, या आपने अपना मोबाइल सिम किसी को दे दिया था, या सिम खराब हो गया है, या आप सिम जो है इंडिया लेकर के गए हैं, नेटवर्क नहीं ना, तो ऐसी कंडीशन में इम्यून ऐप में आप जब डालेंगे अपना नंबर, तो वो नंबर लेगा नहीं। तो सबसे पहले दोस्तों, अब हम आ जाते हैं मेन टॉपिक पे कि हाउ टू चेंज मोबाइल नंबर इन कुवैत इम्यून ऐप। अब इम्यून ऐप को जो है आप अगर चाहे तो डिलीट कर दीजिए, फिर से डाउनलोड कर लीजिए, और वही प्रोसीजर आपको बताना पड़ेगा जैसे कि आप रजिस्ट्रेशन करते समय करे थे। लेकिन दोस्तों, जब आप मोबाइल नंबर डालने लगेंगे, तो पुराना नंबर लेगा नहीं। इसके लिए अगर आपका टिकट इंडिया से हो चुका है, या पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, कहीं से भी अगर आप कुवैत के लिए टिकट हो चुका है, तो कुवैत मोसफर में आपको रजिस्ट्रेशन करना ज़रूरी है। जी हाँ, बहुत ही ध्यान से अब इस बात को मेरी सुनिएगा आप लोग, कि कुवैत मोसफर में रजिस्ट्रेशन करना ज़रूरी है, जो कि 2 या 3 दिन पहले आपको करना ज़रूरी होता है। दरअसल आप कुवैत इम्यून ऐप में अपना कोरोना का सर्टिफिकेट अपलोड कर सकते हैं, और अपलोड करने के बाद ग्रीन भी बतलाएगा, तो ऐसी कंडीशन में ग्रीन हो जाएगा, ठीक है, लेकिन खुलेगा नहीं, लेकिन खुलेगा, अभी खुलेगा। दरअसल जब भी आप कुवैत मोसफर में रजिस्ट्रेशन करते हैं, तो कुवैत मोसफर में एक मोबाइल नंबर मांगा जाता है, जिस पे आपको कुवैत का ही मोबाइल नंबर होना चाहिए। तो ऐसे कंडीशन में अपने किसी दोस्त यार से बात कर लीजिए, और कुवैत मोसफर ऐप जब आप कुवैत मोसफर की जब वेबसाइट पे जाए, पहले ऐप था लेकिन अभी काम नहीं कर रहा है सही से, तो आप वेबसाइट पे जाएंगे कुवैत मोसफर की, तो उस पे जब रजिस्ट्रेशन करेंगे, अपने फ्लाइट की पूरी अपडेट देंगे, तो वहाँ पर अपना मोबाइल नंबर आपको चेंज कर देना है। अब वो नंबर आपको किसी भी दोस्त या कोई भी बहुत ही ख़ास आदमी का देना है, जो आपके फ़ोन करने पर OTP बता सके। जब आप रजिस्ट्रेशन कर लेंगे, तो आपको कुवैत मोसफर की तरफ से, वेबसाइट की तरफ से एक बार कोड वाला सर्टिफिकेट इशू हो जाएगा, उसको डाउनलोड करके रख लीजिए मोबाइल में, क्योंकि उसको भी स्कैन किया जाता है, और प्रिंट आउट भी आप निकलवा के रख सकते हैं।
अब दरअसल दोस्तों कुवैत मुसफ़र का यहाँ पे रजिस्ट्रेशन तो आपने कर लिया, मैं उसकी प्रोसीजर को नहीं बताऊँगा, ऑलरेडी वीडियो पड़ी हुई है, कमेंट करेंगे तो सोचूंगा वीडियो बनाने के लिए। लेकिन दोस्तों अगर आप कुवैत मुसफ़र में रजिस्ट्रेशन कर लिया है और न्यू नंबर आपने दर्ज कर दिया है तो आप सीधे इम्यून ऐप में आ जाइए। जब आप अपने मोबाइल में इम्यून ऐप को ओपन करेंगे तो समझ लीजिए अगर पुराना है तो उसको डिलीट कर दीजिए, दूसरा डाउनलोड करिए प्ले स्टोर से, और जब प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेंगे तो सेम प्रोसीजर आप करेंगे। आपको अपना सिविल आईडी नंबर, पासपोर्ट नंबर ये सब डालना पड़ेगा, और डालने के बाद जो है अपना जो मोबाइल नंबर जो आपका पहले डाला था वो नहीं डालना है। अब आपको कुवैत मुसफ़र को रजिस्ट्रेशन करते समय जो नंबर रजिस्टर्ड किया है अपने दोस्त का या कफील का, उस नंबर को आपको कुवैत मुसफ़र में जो डाला है उसको, वो नंबर को आपको इम्यून ऐप जो अभी प्ले स्टोर से आपने डाउनलोड किया है एकदम न्यू है उसमें वो नंबर डालना जो कुवैत मुसफ़र में अभी अभी आपने रजिस्ट्रेशन किया है। जैसे ही आप उस इम्यून ऐप में वो नंबर डालेंगे उस नंबर पर एक ओटीपी जाएगा, और ओटीपी अपने दोस्त को फ़ोन करिए, उसमें कुछ टाइमिंग चलती है तो वो ओटीपी मंगा दीजिए और उस ओटीपी को दर्ज कर दीजिए इम्यून में। तो जैसे ही आपने वो मोबाइल नंबर दर्ज किया और फिर जो ओटीपी आई उसको फिल किया, और फिल करने के बाद जब आप सबमिट करेंगे और उसके बाद फिर जो न्यू पासवर्ड बनाएंगे आप, उस पासवर्ड को याद रखिएगा, कहीं लिख के भी रख सकते हैं, तो आपका इम्यून खुल जाएगा। फिर अगर आप इम्यून ऐप को बैक करके वापस आएंगे तो इम्यून ऐप को जब ओपन करेंगे तो उसमें कुछ डालना नहीं पड़ेगा, सिर्फ आपने जो पिन नया बनाया था यानी कि नया पासवर्ड बनाया था उस पासवर्ड को दर्ज करेंगे और लॉगिन वाले बटन पर क्लिक करेंगे, तो आपका इम्यून इस तरीके से पूरा खुल के आ जाएगा। उसमें आपका नाम लिखा होगा, ग्रीन सिग्नल बना होगा, और इसमें एक बार कोड होगा, उसका आप प्रिंटआउट भी लेकर रख सकते हैं और इसी चीज़ को आपको खोल खोल के दिखलाना है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ आप समझे होंगे, और कुछ भी समझ में ना आया हो तो वीडियो के नीचे आप जो है कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट जरूर करिए, मैं जवाब देने की कोशिश करूंगा। और दोस्तों इम्यून ऐप में इसी तरीके से नंबर आप चेंज करवा सकते हैं। दूसरा तरीका यह है कि आप जो है कुवैत में किसी को जवाजात भेज करके इम्यून का जो आस्क मी सेंटर का वो काउंटर है उस पर भी आप जाके चेंज करा सकते हैं नंबर को, लेकिन ये सबसे आसान तरीका बताया। लेकिन अगर कुवैत मुसफ़र पर आपने रजिस्ट्रेशन कर रखा है और या कर दिया है तब आप इम्यून में डिलीट करके आएंगे तभी ये प्रोसीजर आपका सही सिस्टम काम करेगा। अगर कुवैत मुसफ़र में रजिस्ट्रेशन नहीं किया है आपने तो आप कितनी बार भी किसी भी दोस्त का नंबर डालेंगे तो वो इम्यून ऐप किसी मोबाइल नंबर को नहीं लेगा। इसलिए दोस्तों कुवैत मुसफ़र में आप उसी का रजिस्ट्रेशन करिए नंबर जिस पर ओटीपी जा सके, और फिर ऑटोमेटिकली वो इम्यून ऐप आपका वही नंबर लेगा जो कुवैत मुसफ़र पर आपने रजिस्ट्रेशन किया है, इसी आधार पर आपका नंबर चेंज हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद है कि आपको वीडियो हेल्पफुल लगी होगी, और लोगों के साथ शेयर भी करिएगा, कोई भी परेशानी हो कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट कर सकते हैं, और दोस्तों लोगों को बताना मत भूलिएगा क्योंकि ये जानकारी किसी YouTube चैनल वालों ने नहीं दी है, और मैंने कितने लोगों को बुलाया है कुवैत देश में और कितने दोस्त यार ऐसे हैं जिनकी प्रॉब्लम्स आई, जिनका इम्यून नहीं खुल रहा था और मैंने इसी तरीके से खोल के दिया है और ओके करके दिया है। मैं स्क्रीन शॉट या कोई भी बैक में वीडियो इस तरीके से नहीं दिखला रहा हूँ क्योंकि कुछ ना कुछ लोगों की नाम पता एड्रेस होता है छुपाना पड़ता है, इसलिए मैं इसको शो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन दोस्तों आपके लिए बहुत हेल्पफुल है और इस चीज़ को ज़रूर ट्राई करिएगा। कोई दिक्कत आएगी तो कमेंट ज़रूर करिएगा, मैं पूरे तरीके से देखूंगा कि भाई टाइम मिलते ही आपके सोल्यूशन का जवाब दूंगा। दोस्तों मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते।